सब्सक्राइब करें रेसिपीज विद प्रिया को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली के लड्डू। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप इसे बहुत ही कम सामग्री में और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम चीनी, थोड़े से काजू। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली हमारे रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए इसके छिलके भी हट रहे हैं। अब इसको हम ठंडा करके उसके बाद इसका छिलका हटा लेंगे। मूंगफलियों को मैंने छील लिए हैं। अब मैं चीनी को ग्राइंड कर लूंगी। चीनी को मैंने पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर सा ये हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसी जार में हम मूंगफली को ग्राइंड कर लेंगे और काजू भी इसी में डाल देंगे। इसे हमें लगातार नहीं पीसना है, इसे हमें रुक रुक के पीसना है, नहीं तो इसमें ऑयल छोड़ने लगता है। और इसे हमें तब तक पीसना है जब तक कि इसमें बंधने जैसा टेक्सचर ना आ जाए। मूंगफलियां हमारी ग्राइंड हो चुकी है, मैंने इसे 3 बार में रुक रुक के ग्राइंड किया है और ये देखिए इसमें बंधने जैसा टेक्सचर भी आ चुका है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें 1/2 चम्मच घी डालेंगे। आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है इसका। और अब हम इसमें जो चीनी का पाउडर बनाए थे वो डाल देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से। और ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हम घुमाते घुमाते बिल्कुल चिकना सा लड्डू बना लेंगे। अब इस तरह से मैं सारे लड्डू बना लूंगी और ये हमारी मूंगफली की स्वादिष्ट लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। देखा ये कितनी आसानी से बन गए हैं और बिल्कुल कम समय में बने हैं। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या फिर जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल रेसिपीज विद प्रिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक